अरे दोस्तों, मेरा नाम सोहन सिंह है और अब मैं अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूँ। आप YouTube के अलावा अब अन अकेडमी पर मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मैं अन अकेडमी के लिए अब जनरल स्टडी, GK और चाइल्ड वेलफेयर पेडागॉजी के और इसके अलावा हरियाणा से संबंधित लेक्चर वहाँ पर बनाऊंगा। आप मुझको अन अकेडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। अन अकेडमी की आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सब्सक्राइब करें करियर अकेडमी अम्बाला के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को। स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम CTET एग्जाम 2018 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि CTET 2018 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके बाद अब उसकी प्रिपरेशन चल गई है, तो मैंने उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आता है हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक समस्या है जो संबंधित है। आम तौर पे CTET के एग्जाम में डिसलेक्सिया के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये किस प्रकार की समस्या है? बोलने की समस्या है, यानी बच्चा स्पीकिंग में प्रॉब्लम करता है, सुनने की यानी हियरिंग में समस्या करता है, या बोलने और सुनने दोनों में, स्पीकिंग में और लिसनिंग में, और चौथा ऑप्शन आता है पढ़ने में। तो डिसलेक्सिया जो है एक पठन विकार है, आमतौर पर पठन विकार या एक पढ़ने की समस्या है। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने की समस्या आती है या उसे पठन विकार कह देते हैं। बच्चे को पढ़ने और लिखने दोनों में समस्याएं आम तौर पे आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थॉर्नडाइक का कौन सा गौण नियम पूर्व अनुभव पर बल देता है, यानी थॉर्नडाइक ने अपने नियमों में एक ऐसा नियम दिया है जो पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करता है। तो पहला आता है बहु अनुक्रिया का नियम, यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स का लॉ आता है फर्स्ट। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, मेंटल सेट का नियम है दूसरा। तीसरा आता है सादृश्य अनुक्रिया का नियम, जिसे हम कह देते हैं रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी। तो सही आंसर जो है थर्ड आता है, इसे कहते हैं रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, यानी पहले से देखी हुई चीज, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट अनुभव के आधार पर जो चीज बच्चा देखता है उसको सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यानी जब भी बच्चा कोई नियम को, किसी समस्या को सॉल्व करता है तो वो सादृश्य अनुक्रिया द्वारा उसको हल करता है। तो सही आंसर आएगा कि थॉर्नडाइक का पूर्व अनुभव पर आधारित नियम जो है वो आएगा सादृश्य अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, यानी डेवलपमेंट साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसमें बच्चे के विकास के साथ मनोविज्ञान के संबंधों को देखा जाता है। तो ये किसने दिया? पहला आंसर है फ्रॉयड ने दिया है, दूसरा है जीन पियाजे ने दिया है, तीसरा आता है विलियम जॉन्स, और चौथा आता है फ्रॉबल। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है ये जीन पियाजे का नियम है, जिसको हम डेवलपमेंट का सिद्धांत भी कह देते हैं, यानी विकास का सिद्धांत, जिसने मनोविज्ञान का प्रयोग करके बच्चों के विकास को देखने का प्रयास किया है। तो जीन पियाजे आएगा विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। नेक्स्ट आता है किस विधि के द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी संभव है, यानी ऐसा कौन सा लर्निंग मेथड है या ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसके द्वारा हम विद्यार्थियों को टीचिंग में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अधिक से अधिक उन्हें भागीदार बना सकते हैं। तो पहला है व्याख्यान मेथड या व्याख्यान विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड भी कह देते हैं। दूसरा आता है वार्तालाप विधि, यानी डिस्कशन मेथड कह देते हैं, जिसमें टीचर स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करता है। तीसरा है पाठ्य पुस्तक विधि, यानी इसको हम बुक रीडिंग कह सकते हैं या बुक मेथड कह सकते हैं। चौथा आता है दृश्य सामग्री, जिसे हम विजुअल हियरिंग मेथड भी कह देते हैं। तो इनमें ऐसा मेथड जो जिसमें स्टूडेंट और टीचर का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है वो है वार्तालाप, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी शिक्षक जो है बच्चों से बात करके
उनसे उनकी समस्याएं, उनके विचार ले सकता है और बच्चे भी टीचर से अपने समाधान ले सकते हैं। तो वार्तालाप विधि इन चारों मेथड में सबसे उपयुक्त आती है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है। यानी थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं, उन नियमों में एक नियम आता है जिसे हम सेटिस्फेक्शन और प्लेजर का नियम भी कह देते हैं, यानी संतोष और असंतोष, यानी जिसे प्लेजर और पेन कह देते हैं। संतोष को सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, बच्चों को संतोष होता है, और पेन यानी असंतोष। तो ये नियम किसका आधार है? पहला है अभ्यास का नियम, ये नहीं आएगा। दूसरा है तत्परता का नियम, जिसे हम कहते हैं रेडीनेस, ये इसका भी भाग नहीं है। तीसरा आता है प्रभाव का नियम, जिसे इफेक्ट कहते हैं। तो ये सही आंसर है इफेक्ट, यानी बच्चे के ऊपर जिन चीज़ों का अच्छा प्रभाव पड़ता है उनसे वो संतोष प्राप्त करता है, सेटिस्फैक्शन लेता है, प्लेजर लेता है, और जिन वस्तुओं का उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उनसे वो डिससेटिस्फैक्शन या पेन प्राप्त करता है। तो इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कह देते हैं, या कहें प्लेजर और पेन। यानी बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े तो वो उससे अच्छा सीखेगा, अगर बुरा प्रभाव पड़े उससे वो सीखेगा नहीं। तो ये संतोष और असंतोष का नियम आता है, तो थर्ड जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है हरमन का स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट किस प्रकार का मेथड है? प्रोजेक्टिव मेथड है, जिसे हम प्रक्षेपी विधि भी कह सकते हैं। अप्रक्षेपी नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है। वस्तुनिष्ठ विधि, जिसे हम ऑब्जेक्टिव मेथड कह देते हैं। चौथा है मनोविश्लेषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साइको एनालिटिक मेथड। तो इंक ब्लॉट टेस्ट जो है एक प्रोजेक्टिव मेथड है, यानी ये जो है मनोविज्ञान में आते हैं, जिन्हें हम प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं, प्रक्षेपी विधियां कहते हैं। ये बच्चों के मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए, बच्चों की साइकोलॉजी के अध्ययन के लिए इन टेस्टों को किया जाता है, और मुख्य टेस्ट है इसमें इंक ब्लॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से सही चयन कीजिए। तो ये चार ऑप्शन जो हैं जीन पियाजे के सिद्धांत से हैं, यानी जीन पियाजे के नियम के क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें पूछा गया कि कौन सा सही है, यानी राइट कौन सा है। तो इसमें 0 से 2 की अवस्था दे रखी है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक कह देते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि जीन पियाजे की 0 से 2 अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कह देते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशीय। तो ये भी गलत आएगा, संवेदी पेशीय पहला गलत हो गया। दूसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक को कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये भी सही नहीं आएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फिर आता है संवेदी प्रेरक अवस्था, ये तो 0 से 2 में थी, ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो गया। फिर आता है चौथा, जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये सही है, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल कह देते हैं, यानी चौथी अवस्था आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक। ये फॉर्मल ऑपरेशनल जो है 11 से 15 या 11 से 16 वर्ष के बच्चों में होती है। इस अवस्था में बच्चे जो हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, यानी वो एक ऐसी थिंकिंग का लेवल अचीव कर लेते हैं जिसमें अमूर्त चिंतन, जिसे हम कह देते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन की अवस्था है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक या कहें ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हम इसे कह देते हैं। ये 11 से 15 वर्ष के बच्चों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम है। आपको पता है थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, प्राइमरी लॉ दिए हैं, ये 3 नियम हैं, बाकी उसने सेकेंडरी लॉ दिए हैं, जिसमें 8-9 जो हैं सेकेंडरी लॉ हैं।
तो इसमें सेकेंडरी लॉ का पूछा है, गौण नियम का पूछा है। तो पहले हमें प्रभाव के नियम का पता है, ये प्राइमरी लॉ है, यानी प्रभाव का नियम एक प्राइमरी लॉ है। तत्परता का नियम, रेडीनेस का नियम भी प्राइमरी लॉ है। सादृश्य अनुक्रिया का नियम, रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी जो है ये सेकेंडरी लॉ है। तो सही आंसर आएगा थर्ड, जिसे सादृश्य अनुक्रिया का नियम कहते हैं, रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, ये मुख्य नियम है। चौथा, अभ्यास का नियम भी प्राइमरी लॉ है। तो सही आंसर जो है थर्ड आंसर आता है, जिसे सादृश्य अनुक्रिया का नियम कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अधिगम सोपानिकी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, यानी एक लर्निंग हायरार्की दी थी, अधिगम सोपानिकी दी थी, ये सोपानिकी जो है गेने द्वारा दी गई है। सही आंसर वैसे आता है इसका गेने। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम सोपानिकी के जनक या प्रतिपादक आते हैं गेने। इसमें 8 प्रकार के अधिगम सोपान दिए हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कितने प्रकार दिए उसने, 8 प्रकार के अधिगम सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशिष्ट बालक होते हैं, यानी स्पेशल चाइल्ड हम किसे कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक। पहला आंसर है मंदबुद्धि, मेंटली रिटार्डेड बच्चों को कहते हैं, मंदबुद्धि बच्चों को। दूसरा आंसर आता है प्रतिभाशाली, यानी गिफ्टेड चाइल्ड को कहते हैं। दूसरा आता है गिफ्टेड चाइल्ड। तीसरा आता है बैकवर्ड चाइल्ड, यानी जो पढ़ने में बैकवर्ड होते हैं उन्हें बैकवर्ड यानी पिछड़ा बालक कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी विशिष्ट बालक वो बालक होते हैं जो 90 IQ से कम और 110 IQ से अधिक, यानी 90 से कम और 110 से अधिक IQ के बच्चे जो हैं विशिष्ट होते हैं। तो मंदबुद्धि बालक भी 90 से कम होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ 140 के आसपास होता है, पिछड़े बालक जो हैं 80 और 90 के बीच में IQ रखते हैं। तो इसमें सही आंसर आएगा D, यानी 4 ऑप्शन आता है कि मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बच्चे और पिछड़े बालक, ये सभी जो हैं स्पेशल चाइल्ड यानी विशिष्ट बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पियाजे, अब इंग्लिश में क्वेश्चन है, जीन पियाजे का क्वेश्चन है, पियाजे अस्यूम्ड दैट चिल्ड्रन आर इन कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। तो जीन पियाजे बताता है कि बच्चे जो हैं दुनिया के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग यानी अपनी समझ को कैसे विकसित करते हैं, पैसिव यानी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को पैसिवली देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन है एक्टिवली, एक्टिव होके देखते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, या बाईस्टैंडर यानी दूर खड़े होकर उनको देखते हैं। तो सही आंसर आता है एक्टिव, बच्चे जो हैं एक्टिव लर्नर होते हैं, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्टिवली, यानी बच्चे जो हैं दुनिया के साथ एक्टिव होकर अपने ज्ञान का सृजन करते हैं, अपनी समझ का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी इनमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सृजनात्मकता में नहीं आता, यानी क्रिएटिविटी में नहीं प्रयोग होता। पहला है ऑरिजिनैलिटी, ऑरिजिनैलिटी मुख्य तत्व आता है जिसे हम मौलिकता कहते हैं। याद रखना है क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता मौलिकता के आधार पे चलती है। मौलिकता का अर्थ है जब कोई बच्चा नई चीज बनाने की क्षमता रखता है, नई इनोवेशन, नई क्रिएटिविटी को कहते हैं ओरिजिनलिटी। तो सही आएगा ये। सेकंड है डिसिप्लिन, अनुशासन की एक क्रिएटिव चाइल्ड में डिसिप्लिन होना चाहिए। थर्ड है फ्लुएंसी, चीजों को प्रकट करने की फ्लुएंसी होनी चाहिए। चौथा फ्लेक्सिबिलिटी यानी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी उनमें सामंजस्य या फ्लेक्सिबल कंडीशन होनी चाहिए। इनमें नॉट पूछा है यानी कौन सा फैक्टर नहीं है। तो डिसिप्लिन, याद रखना है आपको कि क्रिएटिविटी में डिसिप्लिन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ऑरिजिनलिटी आता है, फ्लुएंसी आता है और फ्लेक्सिबिलिटी आता है, जबकि डिसिप्लिन जो है क्रिएटिव चाइल्ड में आमतौर पर नहीं आता।
तो ये क्रिएटिविटी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेजेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु प्रोफाउंड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी एक द्विसूत्री सिद्धांत, एक दो मुखी सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी आती है, ये किसने दी? पहला ही सही आंसर है वैसे इसका, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस में, बुद्धि में। तो पहला आंसर सही है इसका, राइट आंसर आएगा स्पीयरमैन। थ्रस्टन गलत है, गिलफोर्ड गलत है और गैने गलत है। तो स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी है, इसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर दो फैक्टर बताए। जी फैक्टर कहते हैं हम जनरल फैक्टर को, जिसमें बच्चे की ओवरऑल इंटेलिजेंस यानी टोटल इंटेलिजेंस आती है, उसकी टोटल समझ आती है, उसको जी फैक्टर। जी फैक्टर का प्रयोग वो सामान्य जीवन में, सामान्य एक्टिविटी में करता है, यानी जी फैक्टर अगर किसी बच्चे में अच्छा है तो वो सामान्य जीवन में सफल बच्चा होगा, यानी जीवन में सफलतम कार्य करता है जी फैक्टर का। और आमतौर पर सभी कार्य के लिए, टोटल फंक्शन के लिए जी फैक्टर आवश्यक होता है, जबकि बहुत कम बच्चों में एस फैक्टर होता है। एस फैक्टर का है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो किसी विशेष कार्य में, या स्किल में योग्यता होती है, यानी किसी विशेष कार्य को करने की योग्यता, उसे हम एस फैक्टर कह देते हैं। ये जो है स्पेशल एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया होता है, जहाँ पर किसी बच्चे का आईक्यू ज़्यादा होता है। तो जैसे कोई क्रिकेट खेलता है या संगीत में स्पेशल होता है, कोई नया काम करता है तो एस फैक्टर होता है। इसमें जिन बच्चों में एस फैक्टर होता है वो जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में, स्पेशल एरिया में फेमस होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में है, लता मंगेशकर संगीत में है, वो एस फैक्टर के कारण है, यानी स्पेसिफिक फैक्टर के कारण वो अपने क्षेत्र में सफल होते हैं। तो स्पीयरमैन का सिद्धांत है टू फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुड टीचिंग मीन्स, अच्छा शिक्षण किसे कहा जाएगा, उसका अर्थ क्या है? अच्छे शिक्षण का आता है, पहला है प्रोवाइडिंग कंप्लीट फैक्ट, यानी टीचर जो है बच्चे को टोटल फैक्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडिंग कंप्लीट फैक्ट्स। सेकंड आता है गिविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, बच्चे को टोटल सूचना या टोटल इंफॉर्मेशन देना शिक्षण है। तीसरा आएगा चेंजिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं का परिवर्तन करना, तीसरा ऑप्शन है। चौथा आएगा प्रोवाइडिंग एन एप्रोप्रिएट गाइडेंस फॉर लर्निंग, तो गुड टीचिंग सबसे सही आंसर आएगा चौथा, यानी टीचर का मुख्य उद्देश्य बच्चे के लिए ऐसा एप्रोप्रिएट माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ऐसी गाइडेंस क्रिएट करना जिससे वो लर्निंग में सफल हो सकें, यानी बच्चों को एक इंटेलेक्चुअल माहौल प्रोवाइड करना टीचर की जिम्मेवारी होती है, यानी उनको एप्रोप्रिएट गाइडेंस देना पढ़ने में, सीखने में, लर्निंग में। तो सही आंसर आएगा इसका फोर। तो याद रखना है कि टीचर जो है एक फैसिलिटेटर होता है, सुविधा कारक होता है, जो शिक्षण की और अधिगम की, लर्निंग और टीचिंग में स्टूडेंट को एक माहौल प्रोवाइड करता है जिस माहौल में बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, एक बाल केंद्रित क्लासरूम की बात है, इन्हें चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, चिल्ड्रन जनरली लर्न, बच्चे क्या सीखते हैं आमतौर पे? तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? पहला आंसर है इंडिविजुअली, यानी बच्चे व्यक्तिगत अकेले आधार पे, व्यक्तिगत आधार पे पर्सनली सीखते हैं। दूसरा आएगा मेनली फ्रॉम टीचर, शिक्षक से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं। तीसरा आएगा इंडिविजुअली एंड इन ए ग्रुप, अकेले और ग्रुप में सीखते हैं। चौथा आएगा इन ए ग्रुप, यानी वो एक समूह में सीखते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे जो हैं व्यक्तिगत रूप से अकेले भी सीखते हैं और ग्रुप में भी सीखते हैं, यानी एक क्लासरूम में बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, उनको सीखने में दो प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, एक टोटल ग्रुप में, टोटल क्लास का ग्रुप है, समूह में सीखते हैं, दूसरे बच्चे अकेले भी सीखते हैं, यानी वो टीचर को देखकर सुनकर अकेले भी अधिगम करते हैं। तो सही आंसर आएगा इसमें थर्ड, यानी सी आंसर इसका सही राइट आंसर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, यानी भाषा शिक्षण या भाषा अधिगम कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम। तो पहला आएगा राइटिंग से, जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो लैंग्वेज लर्निंग शुरू होती है, सही आंसर नहीं होगा ये। स्पीकिंग, बच्चा जब बोलना शुरू करता है तब लर्निंग स्टार्ट होती है लैंग्वेज की। तीसरा आएगा रीडिंग और चौथा आएगा नन ऑफ दीस। सबसे पहले बच्चा बोलना शुरू करता है, जब माँ की गोद में बच्चा बोलता है तो बोलने में आएगा स्पीकिंग। लैंग्वेज लर्निंग सबसे पहले स्पीकिंग आती है, स्पीकिंग जो है बच्चा फैमिली में सीखता है, फैमिली में पहला क्वेश्चन है, परिवार में सीखता है स्पीकिंग, तो सबसे पहले आएगी स्पीकिंग। दूसरा माँ जो है, मदर यानी माँ उसे स्पीकिंग सिखाती है, बोलना उसे सबसे पहले माँ सिखाती है, तो लैंग्वेज लर्निंग में माँ मुख्य आती है, मदर मुख्य आती है जो बच्चे की स्पीकिंग को देखती है। तो लैंग्वेज लर्निंग जो है स्टार्ट होती है स्पीकिंग से, बोलने से, जब बच्चा अपने घर में अपनी माँ के पास बोलना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोट्स्की सोशो कल्चर थ्योरी, यानी इसमें वाइगोट्स्की के सिद्धांत का क्वेश्चन है कि कौन से विचार जो हैं वाइगोट्स्की के सोशो कल्चर थ्योरी में आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वाइगोट्स्की का नहीं है तो ये नहीं आएगा आंसर। दूसरा है रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी रेसिप्रोकल होती है, द्विपक्षीय, जिसमें टीचर स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं या स्टूडेंट माहौल के साथ इंटरेक्ट करता है, ये सही आंसर आएगा। यानी वाइगोट्स्की ने कहा था कि बच्चे जो हैं अपने सोशो कल्चर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने सोशल कल्चर इन्वायरमेंट से सीखते हैं, तो वो जो है रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं, सेकेंड ऑप्शन सही है। जबकि कल्चरल न्यूट्रल नहीं होते, यानी कल्चर से दूर रहकर नहीं सीखते, इनसाइट भी वाइगोट्स्की का नहीं है तो यानी इनसाइट का गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर आएगा सेकंड, यानी वाइगोट्स्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग की बात कही है जिसमें स्टूडेंट जो है अपने आसपास के माहौल से सीखता है। तो वाइगोट्स्की ने बताया रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में, ये कॉन्टेम्प्रेरी एप्लीकेशन थी वाइगोट्स्की की, जिसमें वो बताता है कि स्टूडेंट कैसे इम्प्रूव करते हैं, उनकी एबिलिटी टू लर्न, उनकी सीखने की क्षमता कैसे बढ़ती है। इस मेथड में, वाइगोट्स्की के मेथड में, टीचर और स्टूडेंट जो हैं ये कोलैबोरेट करते हैं, यानी एक माहौल में, एक वातावरण में टीचर और स्टूडेंट रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं, मिलजुल के पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें वाइगोट्स्की ने चार पॉइंट भी दिए हैं, समराइज करते हैं बच्चे, क्वेश्चनिंग करते हैं टीचर से, क्लैरिफाई करते हैं अपने डाउट को, क्लैरिफाई करते हैं और प्रडिक्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं। यानी वाइगोट्स्की जो है अपने सोशल कल्चरल थ्योरी में रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करता है और इसमें बताता है कि टीचर और स्टूडेंट कोलैबोरेट होते हैं आपस में और वो समराइज करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, क्लैरिफाइंग करते हैं और प्रेडिक्टिंग करते हैं। ये आमतौर पे बच्चे लर्निंग के दौरान करते हैं। नेक्स्ट आता है डायलेक्सिया इज एसोसिएट विद, एक बच्चों का पठन विकार आता है डायलेक्सिया, किससे जुड़ा हुआ है, रीडिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, बिहेवियर डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है या मैथमेटिकल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। ये रीडिंग राइटर में आएगा, यानी डायलेक्सिया जो है, या डिसलेक्सिया, सॉरी डिसलेक्सिया जो है एक रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर आता है, पठन विकार आता है, बच्चों को पढ़ने में देखने में दिक्कत आती है, तो डिसलेक्सिया जो है एक रीडिंग डिसऑर्डर की समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नॉट कंसीडर्ड एज ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, यानी इनमें से कौन सा साइन जो है प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चाइल्ड का नहीं है। तो पहला है नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन में नोवेल्टी रखते हैं वो, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा रखते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ नए आइडियाज़ रखते हैं, चौथा है फाइटिंग विद अदर्स दूसरों से लड़ते रहते हैं। तो नॉट पूछा है तो सही आंसर दिखेगा कि गिफ्टेड चाइल्ड दूसरों से लड़ने में अपना टाइम खराब नहीं करते। याद रखना है
कि गिफ्टेड चाइल्ड जो है अपने काम पे कंसंट्रेट करते हैं, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करते हैं, उनको दूसरों से ज़्यादा लेना देना नहीं होता, अपने तक होते हैं। तो गिफ्टेड चाइल्ड के कुछ और विशेषताएँ, जैसे आस्क द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछते हैं। हाईली क्यूरिशियस, यानी वो उनमें क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासु बहुत अधिक होते हैं। हाईली इंटेलेक्चुअल, यानी वो बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। ओरिजिनल आइडियाज़, उनमें काफ़ी ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं। परफॉर्म करते हैं, यानी अपने कार्य को परफॉर्म करते हैं वो। और कम टाइम में अधिक सफलता लेने का प्रयास होता है, यानी समय कम और काम ज़्यादा। फिर आता है यूनिक पर्सपेक्टिव, किसी भी चीज़ को यूनिकली देखते हैं वो। मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन, गिफ्टेड चाइल्ड जो है तेज़ गति से इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं नई ओरिजिनल प्रोडक्ट। आमतौर पे ये जो है क्रिएटिव चाइल्ड में होता है ज़्यादा। तो क्रिएटिविटी स्टूडेंट जो हैं, क्रिएटिव चाइल्ड वो बच्चे होते हैं जिनमें ओरिजिनल चीज़ों को बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है। फिर आता है अपनी एज ग्रुप से, अपनी एज से आगे होते हैं, यानी अपने ग्रुप से आगे की सोच रखते हैं, आगे की बौद्धिक क्षमता रखते हैं। तो गिफ्टेड चाइल्ड के कुछ और गुण मैंने इसमें दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा कि गिफ्टेड चाइल्ड जो हैं दूसरों से लड़ने में अपना समय खराब नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी चार स्टेटमेंट हैं जिसमें से एक स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है। पहला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट आस्पेक्ट। ये कहता है कि वृद्धि और विकास दो अलग आस्पेक्ट हैं। दूसरा आता है, ग्रोथ कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, यानी ये कहता है कि वृद्धि जो है ता उम्र चलती है, यानी सारी जीवन या सारे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का, विकास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है ग्रोथ। चौथा है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सही आंसर इसका सेकंड आएगा, यानी नॉट पूछा है इसमें, सेकंड आंसर आएगा, ग्रोथ इज ए कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। याद रखना है आपको कि वृद्धि जो है ता उम्र नहीं चलती, ग्रोथ एक सीमा तक चलती है। जब बच्चा 18 साल या 20 साल की आयु में होता है तो अपनी ग्रोथ कर लेता है, लंबाई अपनी पूरी कर लेता है, और उसमें उसके बाद बहुत कम परिवर्तन होते हैं, उसके वेट आदि में परिवर्तन होते हैं। तो ग्रोथ जो है ता उम्र नहीं चलती, बुढ़ापे में ग्रोथ डाउन भी हो जाती है, यानी एडल्टहुड के बाद व्यक्ति जो है लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है, घटने लगता है, तो ग्रोथ उसमें नहीं होती। तो सेकंड ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, कि एक स्टेटमेंट जो है गलत है, ग्रोथ इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट लाइफ, ये सही आंसर होना चाहिए। तो सेकंड आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, इनमें से कौन सा एक सोर्स नहीं है अनौपचारिक शिक्षा का, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात है इसमें। तो अनौपचारिक शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षा होती है, फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल जो है अपने कॉलीग्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो हमारी शिक्षण होता है वो इनफॉर्मल होता है, यानी घर, अपने घर के अंदर और अपने दोस्तों में, समाज में जो बच्चा सीखता है वो इनफॉर्मल आएगा। और फॉर्मल आता है जो स्कूल में स्टूडेंट रूप में जो बच्चा सीखता है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में सीखता है, वो आएगा फॉर्मल एजुकेशन। तो इसमें नॉट पूछा है सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी इनफॉर्मल का पूछा है। एजुकेशन गिवन बाय पेरेंट, माँ बाप द्वारा शिक्षा देना। एजुकेशन गिवन बाय नेबर, यानी पड़ोसियों द्वारा शिक्षा देना। एजुकेशन बाय पीयर ग्रुप, दोस्तों के द्वारा शिक्षा देना। चौथा आएगा, एजुकेशन थ्रू क्लासरूम टीचिंग, यानी क्लास के अंदर शिक्षा देना। तो चौथा आंसर सही आता है कि क्लासरूम की शिक्षा जो है, याद रखना आपको पता है कि क्लासरूम की शिक्षा जो है फॉर्मल आती है, तो इसमें इनफॉर्मल का पूछा है कि इनफॉर्मल में नहीं, तो ये फॉर्मल की है। स्कूल के अंदर टीचर के द्वारा बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वो एक फॉर्मल टीचिंग या फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट बनती है। बाकी माता पिता के द्वारा पढ़ाया जाना हो, दोस्तों के द्वारा पढ़ाया जाना हो या पड़ोसियों के द्वारा पढ़ाया जाना हो, ये इनफॉर्मल का पार्ट आते हैं। तो ये सही आंसर आएगा। सब्सक्राइब करें करियर एकेडमी अंबाला के यूट्यूब चैनल को
और नई वीडियो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को